तो हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त UKPSC स्टडी पॉइंट से गौरव, और आज का हूँ आपके लिए एक जानकारी और एक वीडियो लेकर। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आपका रिजल्ट मीन रिजल्ट जो कि UK SSSC की कनिष्ठ सहायक की भर्ती और UK SSSC का एग्जाम कैलेंडर कब तक आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, जो तक हमको जानकारी है आपका UK SSSC की जो कि आमीन आपका रिजल्ट और आपका BPUDO रिजल्ट साइड जो कि आना है, आमीन रिजल्ट और आपका रिजल्ट हो जो कि इन 10 दिनों के अंदर आने मान के चलिए आज के लिए, जो कि आपका रिजल्ट आपका आमीन रिजल्ट इन दोनों में से भी कोई अभी शाम तक आ सकता है जितना हमें हमारे पास जानकारी होती है। बाकी आपके 10 दिनों में 10 अगस्त तक आपके UK SSSC कनिष्ठ की भर्ती या स्टेनो की भर्ती या एग्जाम कैलेंडर दे सकता है। तो देखिए, आज आपका स्केलर का जो कि रिजल्ट आ चुका है, तो देखिए 7 अगस्त आपका, तो देखिए आपका 14 मार्च को जो कि यो हुई थी विज्ञप्ति संख्या। बाकी उक्त सारिक मापजोक परीक्षा के परिणाम की सूची में अपने चयन न होने के संबंध में कत के अभ्यर्थियों द्वारा आयोग में अनुरोध किया गया, तो अभ्यर्थियों के अनुरोध पर प्राथमिक परीक्षण के उपरांत पाया गया कि तकनीकी त्रुटि के कारण जो कि दिनांक जो कि आपका देख सकते हैं आप, दिनांक आपका 1-2 जून जो कि आपके 130 अभ्यर्थियों का परिणाम जो कि सम्मिलित अभ्यर्थियों का जो कि अनहार किया था, 130 अभ्यर्थियों का परिणाम सम्मिलित नहीं हो पाया। तो देखिए आपका जो कि जो अभ्यर्थी छूट रखे थे स्केलर में उनका भी जो कि फाइनल रिजल्ट जो कि फिर से आ चुका है। तो देख सकते हैं आप इस लिस्ट में ये 130 अभ्यर्थी जो कि छूट गए थे, साइड पे नहीं डाला गया था इनका, जो कि अब आपको हार्दिक शुभकामनाएं 25 अगस्त के एग्जाम के लिए। बाकी दूसरा नोटिफिकेशन देखिए दोस्तों, तो देखिए आपका 6-7 अप्रैल को आपको जो कि परीक्षा हुई थी आपका जो कि नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की, तो उसका जो कि आपका एक रिजल्ट आया था 4-7 29 जुलाई तक आपका अभिलेख सत्यापन हुआ था। तो आपका देखिए 18-7 जुलाई 2024 से 2-8 अगस्त तक अभिलेख सत्यापन हुआ। अतः खाग नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के अंतर्गत सदस्य जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग सदस्य, सामान्य राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग सदस्य, न्यायिक राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग एवं अध्यक्ष जिला उपभोक्ता प्रतिशोध आयोग के अभिलेख सत्यापन के उपरांत श्रेष्ठतम विभाग को प्रेषित करने के लिए आहार अभ्यर्थियों की औपबंधिक सूची जो कि आहार थे उनके आयोग की जो कि संलग्न प्रकाशित की जा रही। तो देखिए यह आपके नाम है कैंडिडेट, आप नाम देख सकते हैं अरुण कुमार, ये आपका जो कि एक रिजल्ट ये भी आपका आ चुका है। तो दोस्तों, आई होप आपको शाम तक जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी बीच आपका आमीन का रिजल्ट आ जाए। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत।